नरेंद्र मोदी असल बाप की औलाद हो, मोदी और शाह, तो जारी कर दो काले धन की लिस्ट। पूरे देश की बैंकिंग व्यवस्था को लूट करके नरेंद्र मोदी गुजरातियों को दे रहे हैं। 84 करोड़ भारतवासियों को जान से मारने के लिए नरेंद्र मोदी ने व्यवस्था कर दी है। नरेंद्र मोदी बोलते ही झूठ हैं, जन्मजात झूठा है, पूरा का पूरा मक्कार है। आपके पूर्वजों ने, पूरे गुजरातियों ने भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ाई नहीं लड़ी, आप क्या लड़ोगे बांग्लादेश के लिए? मोदी जी आप ये बता दो, 1947 छोड़ दो पिछला इतिहास, 1947 के पहले जितने भी बाहरी आक्रमणकारी आए वो गुजरात से आए। आपके पूर्वजों की दलाली के कारण ही भारत जितनी बार भी गुलाम हुआ है, आपकी आपके पूर्वजों के कारण गुलाम हुआ है। गुजरातियों ने हमेशा अंग्रेजों का साथ दिया है, अंग्रेजों के साथ खड़े रहे हैं, अंग्रेजों की दलाली की, और भारत को गुलाम बनाने का श्रेय अगर जाता है किसी को तो वो गुजरातियों को जाता है। आप गद्दार हो, गद्दारों के समाज से हो, गद्दारों के आपके पूर्वज गद्दार थे। अगर नरेंद्र मोदी पर भरोसा करते हो, देश के साथ गद्दारी करते हो। जो भी नरेंद्र मोदी के साथ खड़ा है वो देश का गद्दार है। आपको पता है कि नरेंद्र मोदी के साथ बंगाल में या पूरे जहां भी चुनाव हो रहा है वहां नरेंद्र मोदी का कोलेशन कौन है? नरेंद्र मोदी का कोलेशन है, नरेंद्र मोदी की पार्टी या नरेंद्र मोदी के गैंग में शामिल है सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, चुनाव आयोग, ये सारे नरेंद्र मोदी के साथ मिलकर के चुनाव लड़ रहे हैं। जिन्हें भी नरेंद्र मोदी को हराना है उन्हें सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, चुनाव आयोग सबसे लड़ना पड़ेगा और लड़ना पड़ रहा है। उसके बाद भी नरेंद्र मोदी का पलड़ा जमीन पे है, हारने की पोजीशन में है। और अंतिम हथियार, बड़ी बारीकी से उन्होंने ये नक्सली हमला करवाया, नक्सली हमले के जरिए ये चुनाव जीतने की अब कोशिश करेंगे, और इसी के बहाने, इसी के बहाने हमारे सैनिकों की लाशों पर खड़े होकर जो मारे गए हैं बीजापुर में नक्सली हमले में, जिसकी सारी प्री प्लानिंग, जिसका सारा दारोमदार अमित शाह और मोदी पर जाता है, इन्होंने जानबूझकर यह घटना करवाई है चुनाव में इस्तेमाल करने के लिए। अब आगे देखिए इसका इस्तेमाल कैसे बाकी के चार फेस में चुनाव जीतने के लिए रैलियों में ये किस भाषा का इस्तेमाल करते हैं, क्या बोलते हैं, आपको मेरी बात समझ में आ जाएगी। मेरे दोस्तों, कुछ दिन पहले नरेंद्र मोदी, आपको पता है मैं हमेशा कहता हूं कि नरेंद्र मोदी जन्मजात मक्कार और झूठे हैं। मैं ये चैलेंज करता हूं, मैं उनके व्यक्तिगत जीवन पे नहीं जाता, लेकिन मैं ये चैलेंज करता हूं कि जब से ये मुख्यमंत्री बने, तभी से इनका राजनीति में प्रादुर्भाव हुआ, तो जब से ये मुख्यमंत्री बने तब से लेकर आज तक कभी इन्होंने सच नहीं बोला है। ये झूठ बोल रहे हैं इस बात का तो कोई जिक्र मत करिए, ये कभी सच बोलते ही नहीं, ये इनका सच से कोई रिश्ता ही नहीं है, आप ये मान के चलिए। बिंदास, इतना बिंदास तरीके से झूठ बोलने वाला शायद ही भारत का कोई और नागरिक हो। मैं नेता की बात तो छोड़ दीजिए, कोई नागरिक भारत में ऐसा कोई इंसान नहीं मिलेगा जो इतना बिंदास और इतना ऐसे नंगे तरीके से झूठ बोलता हो, जिसे पता हो कि यह झूठ पकड़ा जाएगा, हमारा लोग मजाक उड़ाएंगे। नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि लोग उनका मजाक उड़ाएं, उनकी उनके झूठ को पकड़ें, उनके झूठ पर बहस करें। मेरा कहना है मेरे दोस्तों, नरेंद्र मोदी के किसी झूठ पर कोई बहस ना हो, क्योंकि नरेंद्र मोदी तो सच बोलते ही नहीं। जो सच बोलता ही ना हो उसके एक झूठ पर, किसी झूठ पर बहस की क्या जरूरत है? नरेंद्र मोदी बोलते ही झूठ हैं, जन्मजात झूठा है,
पूरा का पूरा मक्कार है। अब बांग्लादेश में चले गए, वहां भी चुनावी हथकंडा, किसी मंदिर में गए, वहां का समुदाय, उस समुदाय के लोग बहुत ज्यादा वेस्ट बंगाल में हैं, वो वोटिंग करेंगे वगैरह वगैरह, ये सारी साजिशें थी। चलिए, बंगाल में जाकर के नरेंद्र मोदी ये कहते हैं कि बांग्लादेश की स्वतंत्रता के लिए, मतलब बांग्लादेश के फ्रीडम फाइटर रहे हैं, बांग्लादेश की स्वतंत्रता के लिए इन्होंने काम किया है, यहां तक कि इन्होंने सत्याग्रह किया है, और यहां तक कि इन्होंने कहा कि वो जेल भी गए हैं। कमाल है। अब इतना बड़ा झूठ बोलते समय क्या नरेंद्र मोदी को पता नहीं होगा कि ये झूठ है? था झूठ, क्यों बोला? जानबूझकर। क्यों? क्योंकि आप उसके झूठ पे बास करते रहो, वो बाकी का और झूठ बोल करके चुनाव जीते। नरेंद्र मोदी ऐसा ही है, नरेंद्र मोदी सर से पांव तक लेकर झूठा और मक्कार है। वो जीवन में कभी सच नहीं बोलता, आप उससे उम्मीद क्यों करते हो? लेकिन नरेंद्र मोदी से मेरा सवाल है, आप भी इस सवाल को सुनिए। नरेंद्र मोदी जी, आपने कहा कि बांग्लादेश के आप फ्रीडम फाइटर हैं, बांग्लादेश की आजादी के लिए आपने लड़ाई लड़ी, जेल गए वगैरह वगैरह। मैं आपसे पूछता हूं, आपके खानदान, आपके खानदान, आपके पूर्वजों में, आपके आपके प्रदेश के पूर्वजों में, मैं पूरे गुजरात की बात करता हूं, आप कहते हैं आप फ्रीडम फाइटर हैं, बांग्लादेश की स्वतंत्रता, आपने भारत की स्वतंत्रता, आपके पूर्वजों ने, पूरे गुजरातियों ने भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ाई नहीं लड़ी, आप क्या लड़ोगे बांग्लादेश के लिए? पहले यह बताओ पूरे देश को। मैं आपसे पूछता हूं नरेंद्र मोदी, आप देश को बता दो बांग्लादेश की स्वतंत्रता, वो तो सारा का सारा झूठ आपने बोला, वो तो समझ में आता है, लेकिन आप ये बताओ कि क्या 1000 साल में कोई भी एक गुजराती हथियार उठाकर भारत की लड़ाई लड़ा है, भारत की रक्षा के लिए? कोई भी एक लड़ाई, कोई भी एक युद्ध, किसी भी एक बाहरी आतंकवादी, बाहरी आक्रमणकारी, मुगलों से, अंग्रेजों से, डचों से, फ्रांसीसियों से, पुर्तगालियों से, किसी से भी एक भी गुजराती हथियार उठा करके लड़ा है? नहीं। और आप बोलते हो आप बांग्लादेश की लड़ाई लड़े, मजाक? मोदी जी आप ये बता दो, 1947, छोड़ दो पिछला इतिहास, 1947 के पहले जितने भी बाहरी आक्रमणकारी आए वो गुजरात से आए, क्योंकि आप तो दलाल हो, आपके पूर्वज दलाल थे, आपकी दलाली के कारण ही, आपके पूर्वजों की दलाली के कारण ही भारत जितनी बार भी गुलाम हुआ है, आपकी, आपके पूर्वजों के कारण गुलाम हुआ है, और आप बांग्लादेश के फ्रीडम फाइटर हो? कमाल करते हो यार। बांग्लादेश कैसे आजाद हुआ, बांग्लादेश का कैसे पाकिस्तान का विभाजन हुआ, बांग्लादेश कैसे बना, यह पूरी दुनिया जानती है, लेकिन एक इस तरह का सगुफा छोड़ते हो, लेकिन आपको यह बताना पड़ेगा कि 1947 के पहले कोई भी एक मोदी, शाह, मेहता, पारेख, कोई भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है, स्वतंत्रता संग्राम शहीद सेनानी है, शहीद सेनानी की बात कर रहा हूं, नकली तो बहुत होंगे, शहीद सेनानी, किसी ने अपने, मोदी, शाह, पारेख, मेहता, किसी ने अपनी जान दी है 1947 से पहले भारत को आजाद कराने के लिए? नाम बताओ, मैं मान लूंगा कि आपने, मैं आपको सर्टिफिकेट देता हूं, मैं मान लूंगा कि आपने बांग्लादेश की आजादी की लड़ाई लड़ी है। कमाल है यार, बोलने से पहले जरा भी नहीं सोचते, एक भी क्रांतिकारी का नाम, 7.5 लाख क्रांतिकारियों ने अपने प्राणों की आहुति दी तब जाकर के भारत आजाद हुआ, उसमें एक भी नाम मोदी, साहब, पारेख, मेहता का नहीं है, एक भी नाम किसी गुजराती का नहीं है, गुजरातियों ने हमेशा अंग्रेजों का साथ दिया है, अंग्रेजों के साथ खड़े रहे हैं, अंग्रेजों की दलाली की नहीं, अंग्रेजों की, मुगलों की, डचों की, पुर्तगालियों की, सबकी दलाली गुजरातियों ने की है, और भारत को गुलाम बनाने का श्रेय अगर जाता है किसी को तो वो गुजरातियों को जाता है, आपको जाता है, आपके पूर्वजों को जाता है,
और आप बांग्लादेश को आजाद कराने के लिए लड़ाई लड़ी थी, झूठ बोलते समय एक बार भी सोच लेते नरेंद्र मोदी? अरे छोड़ दो यार उसको, 1947 के बाद से लेकर आज तक एक भी, मैं आपको नहीं पूरे इंटेलिजेंट समुदाय को बोलता हूं, पूरी मीडिया को बोलता हूं, पूरे देश से मैं ये सवाल करता हूं, एक भी नाम मोदी, शाह, पारेख, मेहता, किसी भी बॉर्डर से आपने किसी शहीद का नाम सुना? नहीं। चलिए इतने दिनों में नरेंद्र मोदी जब से आए हैं, नरेंद्र मोदी, मोदी मोदी, शेर शेर कह रहे हो, इतने इन 7 सालों में जितनी भी नरेंद्र मोदी ने आतंकवादी घटनाएं करवाई हैं, लोगों को मरवाया है, जो मैंने आपको गिनाया है, पठानकोट हुआ, उरी की घटना हुई, पठानकोट हुआ और पुलवामा की घटना हुई, गलवान घाटी की घटना हुई, आज नक्सलवादियों की जो घटना हुई है कल, उसके सहित मैं सवाल करता हूं नरेंद्र मोदी, इनमें कोई मोदी साहब, पारेख, मेहता था जो शहीद हुआ है? नहीं। आप गद्दार हो, गद्दारों के समाज से हो, गद्दारों के, आपके पूर्वज गद्दार थे, आपके पूर्वजों की गद्दारी के नाते यह देश गुलाम हुआ था, आज आपकी गद्दारी के नाते यह पूरा भारत फिर से अमेरिका और चीन का गुलाम होने जा रहा है। आप बात करते हो बांग्लादेश की आजादी की, फ्रीडम फाइटर थे आप, जिसके पूर्वजों ने कभी भारत के लिए बिल से बाहर नहीं निकला, उनकी गुलामी करते रहे, उनकी दलाली करते रहे, वो बात करता है? इस पर मीडिया में बहस होनी चाहिए। नरेंद्र मोदी ने जो बात कह दी, वो बांग्लादेश के फ्रीडम फाइटर थे, तो मैं चैलेंज करता हूं किसी भी गुजराती को, और आज की ही घटना मैंने कह दी, आज ही बता दो अगर यह घटना घटी है, चलिए नई नई घटना हुई है सुकमा, ये क्या कहते हैं, नक्सली घटना हुई जिसमें हमारे 22 जवान मारे गए, इसमें कोई मोदी था, कोई शाह था, कोई पारेख था, कोई मेहता था, कोई गुजराती था? नहीं। इसके पहले जितनी घटनाओं का जिक्र मैंने किया, जिसमें इन्होंने भारतीय सैनिकों को मरवाया, भारतीय सुरक्षा कर्मियों को मरवा करके इन्होंने चुनाव जीता, उसमें कोई गुजराती था? पुलवामा में कोई गुजराती मारा गया था? उरी की घटना में कोई गुजराती मारा गया था? पठानकोट की घटना में कोई गुजराती मारा गया था? गलवान घाटी की घटना में कोई गुजराती मारा गया था? नहीं। ये तो गद्दार हैं। नरेंद्र मोदी की लिजसी, नरेंद्र मोदी का इतिहास, नरेंद्र मोदी के पूर्वज गद्दार थे। आप अगर नरेंद्र मोदी पर भरोसा करते हो, देश के साथ गद्दारी करते हो। जो भी नरेंद्र मोदी के साथ खड़ा है वो देश का गद्दार है। है कोई इतिहास? लेकिन आपको आश्चर्य होगा एक बात जान करके, जो आज नरेंद्र मोदी कर रहे हैं इनके पूर्वज करते आए हैं, जो आज नरेंद्र मोदी कर रहे हैं वही ये हमेशा से इनका इतिहास रहा है करने का। 1947 के बाद से लेकर के आज तक जितने भी बैंकिंग घोटाले हुए हैं, मोदी से लेकर के मेहता तक, मेहता से लेकर मोदी तक, हर्षद मेहता से लेकर मोदी तक, इन 1947 के बाद से लेकर आज तक जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशनल घोटाले हुए हैं सबके सब गुजरातियों ने किए। मैंने कहा हर्षद मेहता से मोदी तक। सीमा पर ये नहीं जाएंगे, देश की लड़ाई ये नहीं लड़ेंगे, हमारे लिए जान नहीं देंगे, आपके लिए जान नहीं देंगे, देश की रक्षा के, ये तो घोटाले करने के लिए पैदा होते हैं। जिस आदमी को आपने कुर्सी पर बिठा दिया है उसका तो इतिहास ही घोटालों का है, उसका तो इतिहास ही चोरों का है, उसका तो इतिहास ही गद्दारों का है। उसका तो इतिहास ही मीर जाफरों का है। अंग्रेजों को लाने वाले यही गुजराती थे, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना यही गुजरातियों ने करवाई और पूरे देश को इन्होंने गुलाम बनवाया, जा जा करके, घूम घूम करके। जैसे आज अडानी अंबानी एंड गैंग का प्रचार कर रहे हैं, वैसे ये कभी
ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रचार करते थे। मेरे दोस्तों, 90% बैंकों का एनपीए गुजरातियों का है, मतलब पैसा लेकर के बैंकों से गुजरातियों ने वापस नहीं किया, 90% नाम गुजरातियों का है। है या नहीं नरेंद्र मोदी बता दो, इस देश को बताओ, वो लिस्ट जारी कर दो। आप ये करो, एनपीए का लिस्ट पूरे देश को दिखा दो, पता चल जाएगा कि गुजराती कितने बड़े चोर होते हैं। बैंकों से लोन लेने वालों का, 100 करोड़ से अधिक लोन लेने वालों का, बैंकों से 100 करोड़ से अधिक लोन लेने वालों का नाम डिक्लेयर कर दो, 90% गुजराती। बैंकों का पैसा लेकर के लूट करके देश छोड़कर भागने वाले 90% गुजराती। नरेंद्र मोदी असल बाप की औलाद हो, मोदी और शाह, तो जारी कर दो काले धन की लिस्ट। 90% ब्लैक मनी होल्डर टुडे, अल्टीमेट ओनर ऑफ द टुडे फॉर अ ब्लैक मनी, 90% गुजरातियों के पास है। और आपको याद होगा कि काले धन की बात करते थे, 15-15-20 लाख देने की बात करते थे, धोखा दे दिया। धोखा क्यों दिया? क्योंकि सारे चोर गुजराती थे, नाम कैसे जाहिर करते। 3 नाम इन्होंने जाहिर किया था, वो सारे गुजराती, तीनों गुजराती थे। तीनों ने इनके ऊपर आरोप लगाया कि मैंने तो पैसा इनको दिया है, दबा करके बैठ गए, उसी फाइल के ऊपर बैठ गए, बताया नहीं किसी को। सुप्रीम कोर्ट ने बोला बता दो पूरे देश को, नहीं बताए। स्विस बैंक ने बोला बता दो पूरे देश को, नहीं बताए। क्यों नहीं बताए? क्योंकि सारे गुजराती चोर थे। जब देश जान जाता कि सारे चोर तो गुजराती हैं, फिर इनको कुर्सी पर कैसे बैठने रहने देता। मेरे दोस्तों, चोर भी गुजराती और चौकीदार भी गुजराती। आपने देखा, मैं शुरू से बोल रहा हूं, नरेंद्र मोदी गुजराती वाद कर रहे हैं, गुजरातियों के लिए देश लूट रहे हैं। 85% भारत के, पूरे भारत के संसाधनों और पर और बिजनेस पर, 85% पर कब्जा अकेले गुजरातियों का है। पूरे देश की बैंकिंग व्यवस्था को लूट करके नरेंद्र मोदी गुजरातियों को दे रहे हैं। बैंकों से जो राइट ऑफ किया गया है उसमें 90% गुजरातियों का नाम है, जिनके पैसे राइट ऑफ किए गए हैं, यानी माफ कर दिए गए हैं। दोस्तों, इतने बड़े गद्दार, देशद्रोही, खतरनाक, जो दो पैटर्न पे काम करता हो, पूरे देश को लूटकर गुजरातियों को देना और चुनाव जीतने के लिए अपने ही सैनिकों की हत्याएं करवाना, अपने सैनिकों को मरवाना, अपने ही देश में दंगे करवाना, अपने ही देश को दंगे की आग में झोंकना, कोरोना एक साजिश तो है ही। मेरे दोस्तों, क्या आप भारत के सच्चे नागरिक हैं? अगर हैं तो इस देश को बचाइए। वोट देने गए हैं वहां सोच कर वोट कीजिए। अगर आप मोदी गैंग को वोट करते हैं, मोदी बीजेपी गैंग को वोट करते हैं, तो आप देश से गद्दारी करते हैं, देश से देशद्रोह करते हैं। मेरे भाई बहनों, मेरे दोस्तों, मेरे वेस्ट बंगाल के वासियों, मैंने ये बातें बार बार हर बार आपको बताने की कोशिश करते हैं। ये 6 साल से, जब से नरेंद्र मोदी कुर्सी पे बैठे, उसके 6 महीने बाद से आप लोगों के बीच मैं नरेंद्र मोदी के कुकर्मों को लाता रहा हूं, बताता रहा हूं। आप कितना समझ पाते हैं, कितना मानते हैं, कितना उसको समझते हैं, ये मैं नहीं जानता। मैं अपना धर्म कर रहा हूं। आपको लगे कि मैं सही हूं तो आप भी अपना धर्म कीजिए, इसे लोगों तक पहुंचाइए, जिससे लोग इतने बड़े आतंकवादी से सावधान हो सकें, देश को बचा सकें। देश को बचाइए।
देश आपका है। यह आदमी कुछ भी बोलेगा, कुछ भी करेगा। अब बहुत बड़े नौटंकी को देखने के लिए आप तैयार रहिए, जो अपने ही सैनिकों को भेज करके, इसने साजिश रच करके नक्सलवादियों से मरवाया है अपने 22 जवानों को, उसका कितना बड़ा ड्रामा, कितनी बड़ी नौटंकी आगे के चार चुनाव में, आगे के चार फेस के बंगाल के चुनाव में उसका प्रयोग करेंगे, यह आपके सामने आएगा। दुनिया भर की मक्कारी, दुनिया भर का झूठ आपके सामने बोला जाएगा। हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम मिटा के रख देंगे, हम। मैंने पूछा मेरे दोस्तों, ये आदमी बंगाल का फ्रीडम फाइटर है, और ये बात वो आदमी बोलता है जिसके पूर्वजों का इतिहास गद्दारों का रहा है, जिसके पूर्वजों ने भारत को आजाद कराने के लिए कभी सामने नहीं आए। वो ये कहता है कि वो बांग्लादेश की आजादी की लड़ाई लड़ी। मजाक, मजाक और मजाक। आपके नॉलेज का, आपके ज्ञान का, आपके आपकी समझ का मजाक उड़ाया जाता है। नरेंद्र मोदी जानबूझकर इस तरह की बातें करते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि मैं इस तरह की मूर्खतापूर्ण बातें करूंगा, आप मूर्ख हो करके इन्हीं बातों में उलझ जाओगे, हमारा काम चल जाएगा। बेशरम आदमी है, बेहया आदमी है, भेड़िया है, भस्मासुर है, ये सारी बातें उसने खुद ही कहा कि हम है, तेली है। आप जानते हैं तेली अगर कोई बाहर जा रहा है, सामने पड़ जाए तो घर लौट क्या चलाता है कि जाएगा तो मर जाएगा। आपने पूरे देश के सामने इसको कर दिया तो मरना तो वही है। 23 मार्च तक मध्य प्रदेश की सरकार गिराकर सरकार बनाने की कोशिश करते रहे, कोई अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट बंद नहीं किया, कुछ भी सावधानी नहीं बरती। उसके बाद 24 तारीख को आपको घरों में बंद करके मारने की कोशिश की, आप चूहे की तरह बंद हो गए, लेकिन चूहे की तरह निकल भागे, कहीं कहीं जंगल से, कहीं पानी से, कहीं कहां कहां से भागते भागते अपने घरों को पहुंचे। पता नहीं आप भूल गए कि आपको याद है, आप अपनी बीबी को घसीटते हुए हाथ गाड़ी में बिठाकर अपने घर ले गए, पैदल चल के गए, पता नहीं कितने मरे कितने पहुंचे, कोई आंकड़ा नहीं है। मेरे दोस्तों, आगे भी आपको मारने के लिए 84 करोड़ भारतवासियों को जान से मारने के लिए नरेंद्र मोदी ने व्यवस्था कर दी है, और वो व्यवस्था है किसान बिल। अडानी अंबानी के गोडाउन में अरबों टन अनाज पड़े रहेंगे और आप भूख से तड़प तड़प कर रोड पर मरते रहेंगे, कोई पूछने नहीं आएगा। मेरे दोस्तों, अगर किसान हारे तो ये देश उसी दिन से गुलाम हो जाएगा, और देश का चाहे नेता हो चाहे आम आदमी हो, जो किसानों का नहीं उससे बड़ा गद्दार देश में कौन हो सकता है। वो देश का गद्दार है जो किसानों के साथ नहीं है, जो मोदी गैंग के साथ है वो देश का देशद्रोही है, देश का गद्दार है, इसे कहने की जरूरत नहीं है। करिए, ये हुआ है, इसीलिए तो 500-600 साल भारत गुलाम रहा है। आपकी इन्हीं नादानियों के पीछे, आपकी इन्हीं नादानियों के कर चलते यही गुजरातियों ने, गेटवे ऑफ इंडिया था मुगलों को बुलाने का, यही गुजराती बुलाए थे, यही गुजराती अंग्रेजों को बुलाए थे, गेटवे ऑफ इंडिया गुजरात था, यही गुजराती। मेरे दोस्त, जिनको, जो इतने भी विश्वसनीय नहीं है कि इनको किसी सुलभ शौचालय की सुरक्षा की जिम्मेदारी दी जाए, और ये वहां भी सुरक्षा
कि उस सुरक्षा की जिम्मेदारी निभा लें, उनको आपने पूरे देश की जिम्मेदारी दे दी है। इस देश को ईश्वर ही बचा सकता है। देखता हूं कितने सौ साल लगेंगे फिर से इस देश को आजाद होने में। जय हिंद वंदे मातरम। जाने से पहले आप वोट देने गए हैं, आप वोट देने के बाद मेरी इन बातों को याद रखना, जो मैंने कहा है पत्थर की लकीर है। छह साल से मैं जो एक एक बात कहता आया हूं, वो एक एक घटनाएं हुई है। यह घटना होगी, हमारे जवान मारे जाएंगे, यह बात इन जब से किसान आंदोलन चल रहा है उसके वीडियो को भी देखोगे तो लगभग हर वीडियो में यह बात मिलेगी आपको। और अगर फिर भी आप मोदी को समझ नहीं पाते, मोदी के भस्मासुर रूप को समझ नहीं पाते, मोदी के भेड़िए रूप को समझ नहीं पाते, मोदी की गद्दारी को नहीं समझ पाते, तो हम ईश्वर से ही प्रार्थना करेंगे कि ईश्वर इस देश को बचाए। जय हिंद वंदे मातरम।